आज ही के दिन एग्जैक्टली 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे बगल में बैठा करते थे यहाँ पे, और बिल्कुल झूठा केस है। लेकिन हम इस वक्त उनका दुख नहीं मनाएंगे, हमें उन पे गर्व है। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया है। गरीबों के बच्चों को भविष्य देने का, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का, सपने देखने का, उनके सपनों को पर देने का उन्होंने काम किया है। 75 साल में जो सारी सरकारें, कोई सरकार नहीं कर पाई, वो काम उन्होंने किया है। तो जाहिर तौर पे इस दुनिया के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब इस किस्म के लोग आते हैं और व्यवस्था को ललकारते हैं तो उनके साथ इस तरह का अन्याय होता है। मेरी सदन से सबसे मेंबर से निवेदन है कि एक बार खड़े होकर उनको सल्यूट कर देते हैं। आप भी हो जाओ। अच्छा आदमी है मनीष सिसोदिया। थैंक यू। आज हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, एलजी साहब के अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा कर रहे हैं। हमारी आपस में मतभेद हो सकते हैं, पक्ष के विपक्ष के, लेकिन सदन जनतंत्र का मंदिर माना जाता है, इसकी मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार और पिछली बार ऐसा हुआ कि एलजी के भाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने काफी नारेबाजी और विघन डाला। सुनना तो चाहिए, सुन तो लो, सुन के आपको भी अब मौका मिला, आपने बोला, अपनी बात रखी। उस टाइम अभिभाषण में ही अगर विघन डालते हैं तो वो फिर राजनीति नजर आती है, वो अच्छी बात नहीं है, वो मर्यादा तोड़ने की बात हो जाती है। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे साथी जो हैं विपक्ष के, वो भविष्य के अंदर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के कामों का उल्लेख किया। दिल्ली सरकार आज जो काम कर रही है वो ऐतिहासिक काम है। 75 साल में जो ये सारी सरकारें, मैं किसी व्यक्ति पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा, सारी, हम तो नई पार्टी हैं, हमारे पहले सारी पार्टियों की सरकारें बनी, किसी की इस राज्य में बनी, किसी की उस राज्य में बनी, किसी की यहाँ बनी, किसी की वहां बनी, किसी की केंद्र में बनी। जो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहा है वो 75 साल के अंदर नहीं हुआ, और अगर 75 साल में हो गया होता तो हमें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें कोई शौक नहीं था राजनीति के अंदर आने का। आज दिल्ली मॉडल की चर्चा पूरे देश के अंदर है। किसी कोने में चले जाओ, गांव गांव के अंदर किसी कोने में चले जाओ। अभी थोड़े दिन पहले कोई आया था, एक बहुत बड़ा नेता, वो बता रहा था बिहार के गांव गांव में आप चले जाओ, वहां भी कहते हैं यार स्कूल तो हमें दिल्ली वाले चाहिए, स्कूल तो हमें दिल्ली जैसे चाहिए। पूरे देश के अंदर आज चर्चा हो रही है। तो आज दिल्ली मॉडल, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर रहे हैं, पानी में अभी काफी काम करना बाकी है। दिल्ली बिजली ठीक कर दी, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सड़कें ठीक कर रहे हैं, सड़कें सीवर ठीक कर रहे हैं, बहुत सारे काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। ऐसे काम हो रहे हैं जो एक सशक्त राष्ट्र की बुनियाद रखने के लिए बहुत जरूरी है, जो कि 1950 1960 में हो जाने चाहिए थे। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल जानी चाहिए थी, हर व्यक्ति के लिए अच्छे इलाज का इंतजाम हो जाना चाहिए था, वो काम आज हो रहे हैं। आज दिल्ली मॉडल, आम आदमी पार्टी का दिल्ली मॉडल आज पूरे देश को एक दिशा दिखा रहा है। और ये मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं 3 सेक्टर्स का जिक्र करूंगा, एजुकेशन, हेल्थ और इलेक्ट्रिसिटी। कई सारे जिक्र किए जा सकते हैं, ये 3 सेक्टर्स का मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह से इन 3 सेक्टर्स ने, मैं दिल्ली में जो काम हुए हैं उससे पूरे देश का कैसे उद्धार हो सकता है, पूरे देश का उस मॉडल से कैसे विकास हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं पहले, आज मनीष सिसोदिया जी को हम याद कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पूरे देश में, ये कहने की बात नहीं है, तर्क कुतर्क तो चलते ही रहते हैं, अभी जो आप बात कर रहे थे वो तो कुतर्क है, मतलब किसी भी क्लासरूम के अंदर घुस के कैमरा लेके, अरे अरे देखो ये मिट्टी, देखो देखो देखो। लेकिन मोटे मोटे तौर पर आज सारे मानते हैं भाई अच्छा काम हो गया शिक्षा के अंदर, कि शिक्षा में अच्छा काम हुआ है। जिस तरह से जितना इन्वेस्टमेंट हमने शिक्षा में किया है, सरकारी स्कूल बहुत सारे अच्छे बन गए,
बहुत शानदार सरकारी स्कूल बन गए। सबसे बड़ा इसका प्रमाण ये है कि 4 से 5 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि लोग अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों के अंदर भर्ती करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक ज़माना ऐसा था जब लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहते थे, सरकारी स्कूल में चला जाए तो साल 2 साल में नाम कटा देते थे कि टाइम खराब कर रहा है, घर बैठेगा, 2 पैसे तो कमाएगा। आज अगर हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे दी तो पूरे देश में भी दे सकते हैं। पूरे देश में आज क्या मॉडल चल रहा है, गुजरात के अंदर पिछले कुछ सालों में 6,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। आसाम के अंदर कोविड के बाद 4,500 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। ऐसा नहीं कि वहां पे पॉपुलेशन कम हो गई है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, गरीब भी बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। और स्कूल खोलने की जरूरत थी, और स्कूल खोलने की बजाय अगर 6,000 स्कूल इधर, बाकी का मेरे पास डेटा नहीं है, हर राज्य के अंदर यही चल रहा है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्यों, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है सरकारी स्कूल बंद कर करके आपके बच्चों को फोर्स किया जा रहा है कि प्राइवेट में भेजो। एक तरह से शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की ओर पूरा देश चल रहा है, दिल्ली छोड़ के। जबरदस्ती की जा रही है, गरीब आदमी को जबरदस्ती की जा रही है कि अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज, अब सरकारी स्कूल नहीं होंगे, ना टीचर है वहां पे, ना पढ़ाई है वहां पे। 350 स्कूल बताते हैं वहां पे ऐसे हैं जिसमें एक क्लासरूम है, गुजरात के अंदर एक क्लासरूम में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सारे बच्चे एक ही क्लासरूम। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में अच्छे क्लासरूम है, अच्छे डेस्क है, स्मार्ट क्लासरूम है, बहुत अच्छे स्कूल है। तो आज ऐसी हालत है, एक तरह से पूरा देश के अंदर मॉडल अब ये है कि प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ धकेला जा रहा है, बच्चों को फोर्स किया जा रहा है, गरीबों को फोर्स किया जा रहा है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल अब बंद करेंगे, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो। ऐसे में दिल्ली एक उदाहरण है, दिल्ली एक मॉडल दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कैलकुलेशन करी है, हमने दिल्ली में जितने शानदार स्कूल बनाए, देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं जिनमें 17 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर देश के सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाए जा सकते हैं, मात्र 5 लाख करोड़ के अंदर। 5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के लिए कुछ नहीं होते, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मान लो 1-1 लाख करोड़ रुपए भी हर साल खर्च करोगे तो 5 साल के अंदर 1-1 लाख करोड़, और आधा अगर आप कह दो भाई राज्य सरकार देगी, आधा हम देंगे, तो 2.5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे केंद्र सरकार के। 5 लाख, मात्र 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर में हम इस देश के हर बच्चे को, 17 करोड़ बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनको अच्छा भविष्य दे सकते हैं। और 5 साल में अगर हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे दी, इस देश से गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी को दूर करने का, इस देश से गरीबी खत्म करने का मैं एक रामबाण तरीका दे रहा हूं। भाषण देने तो बहुत आसान है, गरीबी हटाओ फलाना, इस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिए, उस पार्टी ने भी बहुत भाषण दिए, गरीबी दूर करने की इच्छा किसी की नहीं है। आज मैं आपको इस सदन के माध्यम से पूरे देश को एक मॉडल दे रहा हूं कि जो स्कूल हमने सरकारी स्कूल दिल्ली में बनाए, इतने अच्छे शानदार, प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे, बड़े बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे, स्विमिंग पूल वाले, लिफ्टों वाले और स्मार्ट बोर्ड वाले क्लासरूम जो हमने बनाए, मात्र 5 लाख करोड़ रुपए के अंदर गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाए जा सकते हैं। दूसरी चीज पे आते हैं, हेल्थ पे। आज दिल्ली के हर व्यक्ति को हम लोगों ने मुफ्त इलाज कर दिया कि आपका इलाज मुफ्त होगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। मुझे ये बात कहते हुए बड़ा दुख है कि इनकी पार्टी ने उन अस्पतालों का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी पिछले 2 साल के अंदर। पिछले 2 साल में जिस तरह से एलजी साहब ने अधिकारियों के माध्यम से दवाइयां बंद कर दी, टेस्ट बंद, लड़ के मैंने उसको दोबारा चालू कराया, लड़के दोबारा, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा जिस आदमी ने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया, हेल्थ जिसने ठीक करी उसको पकड़ के जेल में डाल दिया,
फिर भी जब अस्पताल चल रहे थे तो उनकी पकड़ के डॉक्टरों की भर्ती, जो खिड़की के ऊपर आदमी बैठता है एमटीएस, वो एमटीएस कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर एक दिन ऑर्डर पास करके सारी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। एक दिन तो ऐसा आया जिस दिन खिड़की पे कोई नहीं बैठा था, दवाइयों की खिड़की कोई नहीं, रजिस्ट्रेशन की खिड़की कोई, क्या है? और फिर इस सदन के अंदर आके इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सरकारी अस्पताल खराब पड़े हैं। अरे तुमने करे हैं सरकारी अस्पताल खराब। आज सरकारी अस्पताल हमने इतने लड़ लड़ के उसको व्यवस्था को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दुरुस्त रहे। सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या कहता है? आयुष्मान भारत में ये कहते हैं भाई तेरे को एक कार्ड देंगे, इंश्योरेंस कार्ड। वो कार्ड लेके आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपके परिवार का, परिवार का एक इंडिविजुअल, परिवार का साल में 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी कब? जब उसका हॉस्पिटलाइजेशन होगा, उसको खांसी है, बुखार है, रोज के मर्रा की दवाइयां, वो नहीं मिलेंगी, दवाइयां नहीं मिलेंगी, टेस्ट नहीं होंगे डेली के डेली का। अगर बाय चांस कोई बड़ी बीमारी हुई और तेरे को अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ा तो तेरे परिवार का साल का 5 लाख रुपए का खर्चा मुफ्त है। इंश्योरेंस, अब वो इंश्योरेंस लेके क्या करे? उत्तराखंड में चले जाओ आप, कहीं अस्पताल नहीं, 50-50 कोस दूर लोग अपनी खटिया के ऊपर वो डंडी सिस्टम, क्या कहते हैं उसको, एक वो लेके जाते हैं, वो वहां पे एक लोकल टर्म है। वो अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? कार्ड लेके कहां जाएं इलाज कराने के लिए? अरे अस्पताल तो बनाओ पहले, अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम भी प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ है। सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं, एक कार्ड पकड़ा दिया कि प्राइवेट में जाके अस्पताल में इलाज करा लो। आयुष्मान भारत दूसरा, उसमें ये लिखा हुआ है कि केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय साल की 2.5 लाख रुपए से कम है। 2.5 लाख रुपए मतलब 20,000 रुपए, 20,000 के लगभग तो दिल्ली में मिनिमम वेज है, 20,000। जिसके 30,000 रुपए हो गए वो इलाज करा सकता है? आज इतना महंगा इलाज हो रहा है, वो इलाज करा सकता है? 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, क्या 50,000 रुपए वाला भी अगर एक हार्ट अटैक हो जाए इलाज नहीं करा सकता अपना? कह रहे हैं आयुष्मान भारत उस पे 5 लाख की लिमिट। दिल्ली के अंदर का जो मॉडल है, मैं पहले आयुष्मान भारत बताया, उसमें यह भी लिखा है सरकारी अस्पतालों को पैसे लेने पर, दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ मुफ्त है। इसमें आयुष्मान भारत में कंपलसरी है, हमारे पीछे पड़े हैं, इसको लागू करो कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको, हर चीज के पैसे लेगा सरकारी अस्पताल। फिर उस आदमी के ऊपर है वो सरकारी में जाए कि प्राइवेट में जाए, जहां जाएगा उसको 5 लाख रुपए तक का, सरकारी में भी 5 लाख तक का फ्री मिलेगा, प्राइवेट में भी। अरे हमने तो सारा ही फ्री कर दिया सरकारी के अंदर, हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? आप कहते हो कि सरकारी अस्पताल में पहली बात तो हम पैसे लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे तो पैसे लेंगे, दवाई लेंगे तो पैसे लेंगे, डॉक्टर जो बैठा है उसके वो उसकी जो कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे, और वो 5 लाख रुपए तक। हमने तो सब कुछ फ्री कर दिया, सारों का फ्री कर दिया। ये कहते हैं 2.5 लाख रुपए की इनकम वालों को देंगे, हमने तो सारे अमीर गरीब सबका फ्री कर दिया। तो तुम्हारी आयुष्मान भारत अच्छी है, हमारी हमारी केजरीवाल मॉडल अच्छा है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर इनकी आयुष्मान भारत अच्छी है, जीटीबी अस्पताल में अभी चले जाओ, बॉर्डर पे है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर, जीटीबी अस्पताल में 80% पेशेंट यूपी के आ रहे हैं। यूपी के अंदर तो आयुष्मान भारत लागू है पिछले 4 साल से, फिर यूपी वाले इधर क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? यूपी के अंदर आयुष्मान भारत क्यों नहीं चल रहा? इधर गुड़गांव की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर फरीदाबाद की तरफ से सारे हरियाणा वाले इधर आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, और वो प्राइवेट में नहीं आ रहे, सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी में 5 लाख की लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इलाज करा लो। अरे पूरे देश का बोझ उठा रखा आज दिल्ली के, दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने। ये बेचारे नजफगढ़ के अंदर, वो पूरे हरियाणा के लोग हैं भैया, सारे हरियाणा के लोग नजफगढ़ के अंदर हरियाणा वाले। अरे आयुष्मान भारत लागू है, वो इधर क्यों आ रहे हैं फिर इलाज कराने के लिए? और इतना भ्रष्टाचार है अध्यक्ष महोदय, इतना भ्रष्टाचार है, ये सीएजी की रिपोर्ट है।
सीएजी ने आयुष्मान भारत का सितंबर 2018 से 2021 तक का उन्होंने जांच करी, 964 अस्पतालों की जांच करी, 161 जिले, 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। उसमें उन्होंने पाया 2,00,000 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनका डेट ऑफ डिस्चार्ज डेट ऑफ सर्जरी के पहले था, मतलब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, सर्जरी बाद में हुई है, अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया, सर्जरी बाद में हुई है, तो फेक केस थे। 46,000 केस ऐसे निकले जिसमें डिस्चार्ज की डेट एडमिशन की डेट से पहले थी, मतलब आदमी डिस्चार्ज पहले हो गया, एडमिशन बाद में हुआ। 2,00,000 से ज्यादा केस ऐसे निकले जो मरे हुए लोगों के थे, ढेरों केस ऐसे निकले जो एडल्ट्स के थे और उनको पीडियाट्रिशियन ने इलाज कर रखा था, बच्चों के डॉक्टर से इलाज करा रखा था एडल्ट्स ने। 9,00,000 केस ऐसे निकले जिसमें एक ही फोन नंबर था, 9999999999, ये फोन नंबर 9,00,000 लोगों का निकला। इस तरह के बहुत घपले निकले, ये मैं नहीं कह रहा, ये आयुष्मान भारत कह रही है, ये इनका मॉडल है। और हमारा मॉडल है, हमने शानदार अस्पताल बनाए, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, हमने शानदार अस्पताल बनाए। हमने ये भी, जो अब आप माननीय ओपोजिशन लीडर ने अभी बोला कि अल्ट्रासाउंड की या किसी की 2025 की डेट मिल रही है, हम फरिश्ते स्कीम लेके आए हैं, हम एक और डार्क स्कीम लेके आए हैं जिसके अंदर ये है कि अगर आपको किसी भी टेस्ट की एक महीने से बाद की, एक महीने से ज्यादा डेट मिलती है तो प्राइवेट से इलाज करा लो, उसका खर्चा हम देंगे। आपके एलजी साहब ने इस स्कीम को भी रोक दिया, आपके एलजी साहब ने इस स्कीम की भी पेमेंट नहीं होने दी। जाके रो एलजी निवास में, राजनिवास के अंदर जाके रो कि वो क्या कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को दुखी कर रखा है उन्होंने, और आप ही लोग करा रहे हो, ये गंदी राजनीति कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये ठीक बात नहीं है, पाप चढ़ेगा आप लोगों को, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाले से डरो। अब हमारा मॉडल है, अब हमारा मॉडल है, हमारा मॉडल है, गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, गली गली के अंदर सबको दवाइयां फ्री देंगे, किसी को छोटी मोटी बीमारी है उसको दूर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मॉडल है, हम बड़े बड़े अस्पताल शानदार बनाएंगे, किसी को फोर्टिस, मैक्स, अपोलो क्यों जाना पड़े, हम ऐसे अस्पताल बनाएंगे, हमारे वाले ही फोर्टिस जैसे लगेंगे, हमारे वाले ही मैक्स जैसे लगेंगे, दिल्ली सरकार के अस्पताल, हमने इतने शानदार अस्पताल बना दिए, पूरे देश के अंदर शानदार अस्पताल और गांव-गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए मात्र 5,00,000 करोड़ रुपए का खर्चा है। मैंने सारा कैलकुलेट कर लिया, मैंने तो दिल्ली में खोल के दिखाए हैं अस्पताल, मैंने तो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोल के दिखाए हैं, पंजाब में भी खोल रहे हैं, अब पंजाब के अंदर अभी मैं जा रहा हूँ, 800 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, 650 बन चुके, और मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ 125 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन और करने के लिए। तो मोहल्ला क्लिनिक खोलने आते हैं अस्पताल, पंजाब के जितने सिविल हॉस्पिटल हैं 40 अस्पतालों का भी जीर्णोद्धार चल रहा है, हर अस्पताल के अंदर मुफ्त दवाइयां, मुफ्त टेस्ट, सब कुछ मुफ्त कर रहे हैं, मुफ्त इलाज देना। 5,00,000 करोड़ रुपए के अंदर इस देश के 140 करोड़ लोगों को फ्री इलाज मिल सकता है, हमें देना है। तो आज देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी दिल्ली ने एक दिशा दिखाई है, कर सकते हैं। अब आते हैं बिजली पे, दिल्ली के अंदर पहले बिजली के पावर कट लगते थे, आज 24 घंटे बिजली आती है, गर्व होता है, देश की राजधानी है। पंजाब के अंदर पहले पावर कट लगते थे, 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है सरकार बने हुए, 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली आती है। हमारे देश में क्यों नहीं आती 24 घंटे बिजली, 10 साल हो गए आपकी सरकार बने हुए, देश के अंदर इतने पावर कट क्यों लगते हैं, किसानों को पूरी बिजली क्यों नहीं मिलती, इंडस्ट्री को पूरी बिजली क्यों नहीं मिलती, हमारे घरों के अंदर गांव-गांव के अंदर बिजली क्यों नहीं मिलती। आपको ये जान के, अब जो डेटा मैं दे रहा हूं आपको जान के ताज्जुब होगा, देश के अंदर बिजली की कमी नहीं है, देश में 4,00,000 मेगावाट बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, हम 4,00,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। और हमारे देश की डिमांड कितनी है, पीक डिमांड, जो गर्मियों के अंदर पीक डिमांड आती है ना, जब एकदम उबल रही होती है धरती, उबल रही होती है, पीक डिमांड जून जुलाई की जो हमारे देश की डिमांड है वो है 2,00,000 मेगावाट, हमारी जरूरत 2,00,000, अवेलेबल 4,00,000, फिर भी बिजली के पावर कट लगते हैं, इतनी निकम्मी सरकार तो आज तक कभी तक, हमसे सीख लो,
हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम सिखाने को तैयार हैं। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हम यहाँ पे आपको सिखा देंगे, आप लो सारे वोट। मैं तो उस दिन भी कह रहा था सारे वोट तुम्हारे जिम्मे, देश की सेवा करने की जिम्मेदारी हमको दे दो, हम सेवा करके दिखा देंगे, वोट सारे आप ले लो। 4,00,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 2,00,000 मेगावाट की हमारी डिमांड है, हमें बिजली क्यों नहीं मिल रही, जवाब दे सरकार। और कई लोग कहते हैं हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है। मैंने ये भी कैलकुलेट करा, पूरे देश के हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए बस। केवल 1.5 लाख करोड़ रुपए में पूरे देश को सारे हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है। तो 5,00,000 करोड़ रुपए में स्कूल ठीक हो जाएंगे, 5,00,000 करोड़ रुपए में अस्पताल ठीक हो जाएंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए में सबको बिजली फ्री हो जाएगी। 11.5 लाख करोड़ रुपए के अंदर आपके बच्चों को, 140 करोड़ लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, उनके हर परिवार के सदस्य को अच्छा इलाज मिल जाएगा, 24 घंटे बिजली मिल जाएगी, हर व्यक्ति को फ्री बिजली मिल जाएगी। और 11,00,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपने दोस्तों को उठा के उनका ऋण माफ कर दिया। क्या ज्यादा जरूरी था, क्या ज्यादा जरूरी था, दोस्ती निभाना ज्यादा जरूरी था कि 140 करोड़ लोगों के प्रति अपना फर्ज निभाना ज्यादा जरूरी था। अभी और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। आज पंजाब के अंदर हमारी सरकार, भगवंत मान सरकार, जो खेती के क्षेत्र में कर रही है, गांव गांव घर घर के अंदर उन्होंने खेती का पानी पहुंचा दिया। अभी तक पानी नहीं होता था, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे, हमने दो किसी से भीख नहीं मांगी और पानी की, उसी पानी का मैनेजमेंट करके गांव गांव के अंदर घर घर के अंदर खेती का पानी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा ऐसी सरकार हो सकती है। 2 साल के अंदर हर खेत के अंदर खेती का पानी पहुंच गया, खेती के क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज पंजाब के अंदर एक बड़ा चमत्कार हुआ है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, LIC बेच दी, भेल बेच दी, रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया। और कह रहे हैं एक एक बेचने में स्कैंडल है, स्कैंडल है, हर चीज जो बेची इन्होंने सब कुछ बेच दिया। पंजाब के अंदर गंगा उल्टी बह रही है। एक पावर प्लांट था प्राइवेट सेक्टर में, 6,000 करोड़ रुपए का प्राइवेट वालों का पावर प्लांट था, उनसे चल नहीं रहा था, सरकार ने उसको 1,100 करोड़ रुपए में, हम चला के दिखाएंगे, हम चला के दिखाएंगे। तो आज पूरे देश को एक तरह से आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है वो दिशा दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। दुख बस इस बात का है कि हमारे कामों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमने तो कभी किसी से दुश्मनी की नहीं है, हम तो हाथ जोड़ के चलते हैं, हमें क्या लेना देना, राजनीति करनी हमें आती नहीं है। तो हमारा यही है, हमें भी काम करने दो, आप भी काम करो, आपको हम सिखाएंगे, आप सारे वोट आप लो, हमसे काम सीखो, आप करो काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पार्टी भी हमसे सीख ले, वो वाली पार्टी भी हमसे सीख ले, हमें कोई, तो मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।